खालसा क्रैडिट यूनियन के संस्थापक 1985 के एयर इंडिया अतवादी बंब धमाके के बरी हुए सिख परोपकारी रिपुतमन सिंह मलिक की कैनेडा के ब्रिटिश कोलंबिया सूबे के सरी के गोली मार के हत्या कर दी गई है। हाल ही भारत की यात्रा भी की पीएम मोदी के द्वारा सिख भाईचारे प्रति किए गए यत्नों का समर्थन भी उन्होंने वालों किया गया। गोलीबारी के स्थान तो कुछ ब्लाकों की दूरी पर एक बलदी हुई गड्डी भी मिली है जो कि एक गैंग नाल संबंधित होने के संकेत भी करती है, पर अजे तक अपराधिक पुष्टि नहीं की गई है। किसी होर जानी नुकसान या सट की भी कोई रिपोर्ट हले नहीं हुई है। मलिक उन्होंने व्यक्तियों के विचों एक सी जिन्हों ने एयर इंडिया फ्लाइट 1982 कनिष्क के बंब धमाके के अहम भूमिका निभाने का दोष लग्या सी, जो कि कनेडा विच हुण तक का सब तो भयानक अतवादी हमला है। 23 जून 1985 को आयरलैंड के तट तो कनेडा तो एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क विच एक बंब धमाका होया सी, जिस दे विच 329 यात्रियों और चालक दल की मौत हो गई सी। इस विच पूरे 29 परिवार 12 साल तो घट उम्र के कई बच्चे बजुर्ग शामिल सन। इस तो अलावा रिपुतमन मलिक कथित तौर पर पंजाब विच कई अतवादी घटनावां लई जिम्मेवार अतवादी संगठन दे नाल जुड़े हुए सी। एयर इंडिया बंब धमाके के कथित मास्टरमाइंड दा नज़दीकी साथी भी दस्या जा रहा सी। मलिक नूं 2020 दे विच सिंगल एंट्री वीज़ा ते हाल ही 2022 दे विच मल्टीपल वीज़ा दिता गया सी। मई के महीने के हाल ही आंध्र प्रदेश दिल्ली पंजाब महाराष्ट्र के तीर्थ यात्रा भी उन्होंने वल्लों की गई सी। ब्यूरो रिपोर्ट लुधियाना टाइम्स। खालसा क्रैडिट यूनियन के संस्थापक 1985 के एयर इंडिया अतवादी बंब धमाके के बरी हुए सिख परोपकारी रिपुतमन सिंह मलिक की कैनेडा के ब्रिटिश कोलंबिया सूबे के सरी के गोली मार के हत्या कर दी गई है। हाल ही भारत की यात्रा भी की पीएम मोदी के द्वारा सिख भाईचारे प्रति किए गए यत्नों का समर्थन भी उन्होंने वालों किया गया। गोलीबारी के स्थान तो कुछ ब्लाकों की दूरी पर एक बलदी हुई गड्डी भी मिली है जो कि एक गैंग नाल संबंधित होने के संकेत भी करती है, पर अजे तक अपराधिक पुष्टि नहीं की गई है। किसी होर जानी नुकसान या सट की भी कोई रिपोर्ट हले नहीं हुई है। मलिक उन्होंने व्यक्तियों के विचों एक सी जिन्हों ने एयर इंडिया फ्लाइट 1982 कनिष्क के बंब धमाके के अहम भूमिका निभाने का दोष लग्या सी, जो कि कनेडा विच हुण तक का सब तो भयानक अतवादी हमला है। 23 जून 1985 को आयरलैंड के तट तो कनेडा तो एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क विच एक बंब धमाका होया सी, जिस दे विच 329 यात्रियों और चालक दल की मौत हो गई सी। इस विच पूरे 29 परिवार 12 साल तो घट उम्र के कई बच्चे बजुर्ग शामिल सन। इस तो अलावा रिपुतमन मलिक कथित तौर पर पंजाब विच कई अतवादी घटनावां लई जिम्मेवार अतवादी संगठन दे नाल जुड़े हुए सी। एयर इंडिया बंब धमाके के कथित मास्टरमाइंड दा नज़दीकी साथी भी दस्या जा रहा सी। मलिक नूं 2020 दे विच सिंगल एंट्री वीज़ा ते हाल ही 2022 दे विच मल्टीपल वीज़ा दिता गया सी। मई के महीने के हाल ही आंध्र प्रदेश दिल्ली पंजाब महाराष्ट्र के तीर्थ यात्रा भी उन्होंने वल्लों की गई सी। ब्यूरो रिपोर्ट लुधियाना टाइम्स।